बिजनौर में कृष्णा छात्र के बीबीए छात्र को सड़क पर दौड़ाकर गोली मारी। कॉलेज से निकलते करने लगे थे फायरिंग, गेट पर तोड़ा दम, गैंगवार की आशंका। बिजनौर में बीबीए छात्र को सड़क पर दौड़ाकर गोली मारी गई है। बुधवार को दिन दहाड़े हुए इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज गुरुवार को सामने आया है। वहीं मामले में पुलिस तफ्तीश में पुरानी रंजिश की ओर बढ़ रही है। मृतक का भाई एक मर्डर केस में जेल में है। पुलिस इस घटना को उसी रंजिश का नतीजा मान रही है। फिलहाल घटना के खुलासे के लिए पुलिस की 4 टीमें लगाई गई हैं। पूरा मामला बिजनौर थाना कोतवाली शहर के कृष्णा कॉलेज का है। बुधवार को करीब 3:45 बजे दिन दहाड़े बीबीए फर्स्ट ईयर के छात्र शामिक 20 वर्ष की गेट के बाहर निकलते ही बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच वीरेंद्र तोमर ने बताया, देर रात परिजनों की तहरीर पर एक नामजद आरोपी यश और एक अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए 4 टीमें लगाई हैं। तनाव को देखते हुए झालू में पीएसी और पुलिस बल भारी संख्या में तैनात कर दिया गया है। सीसीटीवी में हत्यारे छात्र को दौड़ा रहे हैं। बुधवार को जांच में लगे पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी है, जो कि 1:53 का है। यह सीसीटीवी सड़क पर बनी एक दुकान का है। इसमें लोग आते जाते देख रहे हैं, कुछ गाड़ियां भी खड़ी हैं। आमने सामने सड़क है जिस पर गाड़ियां फर्राटे मार रही हैं। लगभग 35 सेकंड पर सीसीटीवी में दुकान के ऑपोजिट रोड पर लड़का भागता नजर आ रहा है, जबकि उसके पीछे एक लड़का मुंह पर कपड़ा बांधे दौड़ रहा है। हालांकि जब आरोपी को लगता है कि वो पकड़ नहीं पाएगा तो वो लौट जाता है, जबकि लड़का सीसीटीवी फुटेज के दायरे से बाहर हो जाता है। अब इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी को ढूंढने में लगी हुई है। बताया जा रहा है कि नूरपुर रोड स्थित कृष्णा कॉलेज से शामिक निकलकर अपने घर जा रहा था। जैसे ही वो कॉलेज से कुछ दूर पर पहुंचा, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उसको गोली मार दी। गोली लगने के बाद भी वो घायल अवस्था में बचने के लिए वापस कॉलेज की ओर दौड़ा। आरोपियों ने उसे फिर दौड़ाया। यही भागदौड़ सीसीटीवी में कैद हो गई। कॉलेज के गेट पर पहुंचकर शामिक गिर गया, जहां से उसे अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं वारदात करके बदमाश मौके से फरार हो गए। 20 महीने पुराने मर्डर केस से जुड़ रहे हैं हत्या के कनेक्शन। बिजनौर का झालू एक ग्रामीण इलाका है। यहां कई सालों से दो जुट की लड़ाई में शामिल रहते हैं। इसी झालू में लगभग 20 महीने पहले 5 फरवरी 2021 को एक युवक रजत की हत्या कर दी गई थी। मृतक छात्र शामिक झालू का रहने वाला था। रजत की हत्या में शामिक का भाई शहबर भी शामिल था। उस समय पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया था कि यह मर्डर वर्चस्व की लड़ाई में किया गया है। दो जातियों के बीच की जंग का भी एंगल देख रही है पुलिस। सूत्रों के मुताबिक बिजनौर के झालू में पुलिस दो जातियों के बीच की जंग के तौर पर भी शामिक के मर्डर को देख रही है। दरअसल ये बीते कई सालों से वर्चस्व की जंग को लेकर गुट भिड़ते रहे हैं। यही वजह है कि पुलिस इस एंगल को लेकर भी जाँच कर रही है। प्रेम प्रसंग के एंगल पर भी जाँच कर रही है पुलिस। हालांकि इन सब के बावजूद पुलिस शामिक के मर्डर में प्रेम प्रसंग के एंगल को लेकर भी जांच कर रही है। पुलिस ने कॉलेज में शामिक के दोस्तों की जानकारी हासिल की है। अब पुलिस दोस्तों से बात कर जानकारी हासिल करेगी कि पुलिस के शामिक किसकी किसी लड़की के टच में तो नहीं था। हो सकता है कि वो वारदात उसी वजह से हुई हो। कॉलेज से निकलते वक्त उसके साथ पढ़ने वाली लड़की बिस्मा उसके साथ थी। उसने बताया कि अचानक से दो लोग बाइक पर आए और उस पर फायर कर दी, जिसके बाद शामिक पहले गिरा फिर वहां से भागा। बिस्मा ने बताया कि जिन लोगों ने गोली मारी वो उन्हें नहीं पहचानती। झालू में पुलिस तैनात है। तनाव को देखते हुए झालू में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। इस मामले में शहर कोतवाली में तैनात इंस्पेक्टर क्राइम वीरेंद्र तोमर का कहना है कि देर रात परिजनों की तहरीर पर एक नामजद यश और एक अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए 4 टीमें लगाई गई हैं। हालांकि पुलिस यह स्वीकार नहीं कर रही है, लेकिन माना जा रहा है कि यह गैंगवार का ही मामला मानता नजर आ रहा है। दरअसल अभी तक की तफ्तीश में सामने आया है कि शामिक के मर्डर में जो नाम सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं झालू से जुड़ते नजर आ रहे हैं। देखते रहिए ये पूरी खबर रियल इंडिया टीवी पर। उत्तर प्रदेश की इसी तरीके से सारी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।